एक महीना काम ने के इतनी चर्बी चढ़ गई और मैं सालों तेरे को पाला पोसा, मुझे कितनी चर्बी चढ़नी चाहिए, बोल। रेवाती रेवाती, ऐसे फोकट में खाना नहीं खिलाया मुझे। मैंने भी न दिन देखा न रात देखी, ऐसे ऐसे जानवरों की तरह काम किए मैंने तेरे लिए, तब जाके मुझे दो वक्त खाना खिलाया। भौंकते करने का मेरे साथ बोल देती हूँ। बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया तूने, इंडिया को अमेरिका बना दिया। अरे जा जा, तेरे जैसे मतलबी आदमी के लिए मैंने जितना काम किया है ने, उतना काम मैंने अगर इंडिया के लिए किया होता ने, तो कब से वाजपेयी जी ने मुझे दिल्ली से बुला लिया होता और 33% कोटा में से एमपी की टिकट भी दिला दिया होता। कितना कष्ट उठाया मैंने तेरे जैसे फालतू आदमी के लिए। तूने जब भी बुलाया मैंने आकर तेरे पैर दबाए, तूने जब जब दारू पी मैंने उसमें सोडा डाला, और यहाँ तो की जब जब तूने मेरे मुंह पे सिगरेट का धुआं छोड़ा ने, मैंने उसकी बास को सेठ समझ के सूंघ लिया था। बोल बोल बोल, जितना बोलना है बोल, मैं तेरे थोबड़े की हिस्ट्री बदल दूंगा, देख ले। लोग तेरे इतिहास पूछेंगे तू बता नहीं पाएंगे, बताने लायक मैं रखूंगा नहीं तेरी तो। मेरे को धक्का मारती है आज तू तो खलास। रुक जा डैडी, मेरी माँ को हाथ लगाया तो दूंगा धोबी पछाड़। क्या बोला बे बकरी के बच्चे? ए बाबा, मेरी माँ को हाथ लगाया तो फोड़ डालूंगा। अगर तू पी गया तो सड़क पे मारूंगा। अबे बहुत समझ के बैठते मर रहे बाप को। अब मैं समझा तूने बैट क्यों खरीद के दिन को, हाँ? अंदर ही अंदर पिल्लों की गैंग बनाकर मेरे खिलाफ भड़का रही है तू। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, तेरे को कब कहाँ किस वक्त किस तरह उड़ाना है मैं डिसाइड करूंगा। अब सुन ना मेरे दिमाग का धमाका तेरी तो। अबे कुछ नहीं कर रहा बेटा, कुछ नहीं कर रहा, मैं अकेली मिलना। तुम्हें इस प्रेम का प्रेम भरा सलाम। कैसी हो सुमन? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम। ये मेरा 25वां प्रेम पत्र है। आज तो इसका सिल्वर जुबली हो गया है। ऐसा लगता है मैं आशिक नहीं पोस्टमैन बन गया हूं। एक बात बोलूं? हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूं। अबे अबे बालों के हथियारे, मैं तुझसे नहीं, मैं अपनी जाने जिगर सुमन से बात करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तू बीच में कहां घुस रहा रे वस्त्र? कौन है, किसी है, किधर रहती है? पड़ोस में रहती है, बड़े बड़े कुत्ते उसके पास, लंबे लंबे बाल है, काटने चलेगा? कुत्ते के बाल काटता है तू? अरे मेरा ग्राहक को भड़काता है तू? अभी आगे देख के कुत्ते के बाल काट, चल। क्या बोला? भाई साहब के बाल काट, पूरे मुड़ का टकला बना दिया। अरे क्या कर रहा, मेरा पूरा पाउडर क्लास कर रहा तू? ला ला पाउडर, इसको पाउडर बोलते हैं? अबे पाउडर, ये चूल्हे की राख, इसमें खुशबू कहाँ है? खुशबू कहाँ है? पाउडर बोलता है, बात करता है सलूने। ना भाई, अपनी प्रेमिका को अपना प्रेम पत्र दिया कि नहीं? नहीं ना यार, उन पांच फूलों में एक कांटा है ना। कांटा कौन? उनका भाई हिटलर। भाई तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरी हड्डी फसले के साथ मेरी दुकान का सत्यानाश कर देगा, तू चला जा भाई, तेरे पाँव पड़ता है। अबे चुप, मैं आशिक हूँ, हज्जाम नहीं। अबे वो हिटलर अपने आप को समझता क्या है? आज ये लेटर मैं दे के रहूंगा, उस हिटलर की आंखों आंख खबर भी नहीं पड़ेगी, और ये लेटर उसकी बहन तक पहुंचा दूंगा। I love you.
मैनेजर की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूंगा। उठाओ ये पेपर और निकालो मेरे फिक्स डिपॉजिट के पैसे। एक पैसा इस बैंक में मेरा नहीं रहेगा। प्रेम क्या है यहाँ पे? हाँ चिल्ला क्यों रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। अच्छी तरह जानते हो तुम्हारे कहने पे मैंने 3 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में बेच के फिक्स डिपॉजिट में रख दिया ताकि तुम वो हिटलर भाई को मेरे बारे में अच्छा कह सको कि मैं अच्छे घर का लड़का हूँ, मेरे पास पैसे हैं और उसकी बहन के साथ मेरे रिश्ते की बात करोगे। रिश्ता तो दूर, अपना चक्कर चला लिया, लोगों के पैसे घसीट घसीट के फिक्स में डाल के ये पोजीशन कर लिया, अब टाई लगा के मैं तुम्हारी बात चलाने ही वाला था। कहाँ चला मेरी बात? कार चलाते चलाते साइकिल पे आ गया हूँ, अब क्या पैदल चलाएगा? ए भाई पैदल निकल तू। प्रेम प्रेम धीरे बोल, ये बैंक है यार, मेरी बेइज्जती कराएगा। और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसको कुछ नहीं है। एक चिट्ठी देने से कम है सुमन को, एक चिट्ठी। सुबह से लेकर शाम तक हिटलर, रात को सोते जागते हिटलर। ऐसा लगता है मैं एक आवारा कुत्ता हूँ और मेरे पीछे म्युनिसिपैलिटी गाड़ी लगी रहती है। ये प्यार हुआ या मजाक? अरे भाई आपने भी प्यार किया होगा, आपने भी प्यार किया होगा। नहीं, प्यार व्यार क्या होता है? कौन है तुम? क्या है? क्यों है? बैंक में क्यों है? अर्थी के पैसे जमा कर रहे? हिटलर का भाई है तू? चलो भाई मेरे फिक्स के पैसे निकालो। प्रेम तू शांत हो जाओ, घर पर जा, मैं इस बार करण से बात करूंगा तेरे लिए। मुझे उससे अपने लिए भी तो बात करनी है, उसकी एक बहन से मैं भी तो प्यार करता हूँ। तेरी शादी सुमन के साथ होगी और हम दोनों साड़ू भाई बन के रहेंगे, प्रॉमिस। ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना उस हिटलर को मैंने मेरा साला नहीं बनाया तो किसी और को भी उसका साला बनने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। मुझे कहीं छुपा ले, मुझे कहीं भी डाल दे, लॉकर में डाल दे, अकाउंट में डाल दे, फिक्स में डाल दे, नहीं तो मुझे कोमा में डालेगा। प्रेम हुआ क्या है? हिटलर आ रहा है। तू तू यहाँ चुप। हिटलर मर गए। हाय करण, कैसे हो? वो फिक्स डिपॉजिट वाली स्कीम पसंद आई ना? इसे पहचानते हो? यार इतनी बुरी शक्ल का आदमी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। करण 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 मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये प्रेम है मेरा दोस्त। कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। मेरा मतलब है कि इस बैंक में अक्सर आता जाता रहता है। मुझे इसका पता चाहिए। बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल। तुम एक काम करो, मेरे केबिन में जाके बैठ जाओ, मैं ये काम निपटा के आता हूँ। ओके जल्दी आना। जाने दे जाने दे, छोड़ना यार छोड़ना, इट्स ओके। अरे ये सीटी किसने बजाई? अरे जिस घर में 5-5 खूबसूरत जवान लड़कियां हो उस घर के सामने सीटी नहीं बजेगी तो क्या पुलिस का सायरन बजेगा? जरा देखूं तो ये सीटी किसके लिए बजाई है। ओहो तुम हो। ए ये सीटी किसके लिए बजाई? नंबर 1। नंबर 2। नंबर 3। नंबर 4। सुमन तेरी लॉटरी निकल गई है, जा नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है तेरा प्रेम। क्या सीन होगा? अरे भैया ने देख लिया ना तो ये सीन रोमांटिक नहीं एक्शन होगा। अच्छा ए, अगर हिटलर यहाँ आ गया तो तुम क्या करोगे?
हिटलर आ गया तो क्या करूंगा? अभी बताता हूँ, उसके मोटरसाइकिल की हवा निकालूंगा ये, और पीछे की भी हवा निकालूंगा, समझी? उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद चाकू लेके उसके मोटरसाइकिल की सीट की भुर्जी बनाऊंगा, यो सीट को ऐसे उखाड़ के फेंक दूंगा और उसके मोटरसाइकिल को ये उठाया। अरे हिटलर, मर गया साइकिल, क्यों ना पुराना साइकिल। तुम क्या? करण? करण करण, अरे इस गांव में बहुत से करण है, कौन सा करण? अरे भाई जिसकी पास पास भाई ने पास पास। हाँ हिटलर, हिटलर रखो, करण करण। अरे हम सब उसको हिटलर ही बोलते हैं, तुम क्या हिटलर के रिश्तेदार हो? मतलब भाई कहाँ है? खरा संग नहीं 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 नहीं, हम तो ना बाजू के गांव में रहते हैं। हमको किसी ने बोला कि उसकी पास पास बहने को संभालने को और कॉलेज से लाने को और कॉलेज ले जाने को एक नौकर नौकरानी की जरूरत है, ये वास्ते मैं और मेरा औरत इधर आया। मैंने मेरा रास्ता बंद, एक काम कीजिए, बहन जी आप यहाँ रुकिए, मैं इनको ले जाता हूँ। हिटलर का दोस्त यहीं कहीं रहता है, मैं आपको उनसे मिला देता हूँ, वो अपनी कार में आप दोनों को बिठा के ले जाएगा। हाँ क्योंकि हिटलर जाने रहता है, हिटलर बहुत दूर रहता है। दैलाम हाँ। कितना चांगला मानुस है तुम। ये भाऊ हाँ। वो करण भाऊ अभी चांगला तो है ना? अच्छा तो अरे बहुत अच्छे, आपको देख के इतने खुश हो जाएंगे और ऐसी आओ भगत करें कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत बड़ा आदमी है। वो जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं ना, दिखा दे रहा, वो हिटलर के दोस्त हैं। उनसे पूछना कि हिटलर कहाँ रहते हैं, वो बताएंगे। क्या पूछेगा? किधर रहता है हिटलर? हिटलर हिटलर किधर है? आभारी। क्या भारी है? धन्यवाद। अरे धन्यवाद कोई बात नहीं यार। मेरा औरत को भेजो जल्दी। जा बलि के बकरे जा। राम राम भाऊ। राम राम। ये हिटलर किधर है? ऐसा टोड़ा फाड़ फाड़ के काय को देखता है? हिटलर माइत नहीं, अरे पांच पांच बहन का लेडीज हॉस्टल है उसका, और वो वॉचमैन है उधर का। चलो तुम्हारे पति को हमने वहाँ पहुँचा भी दिया है और वो काम पे भी चढ़ गया है और थक के सो गया है। आए को देवा, इतना काम है। अभी काम पे सड़ा, अभी थक के सो भी गया हो। काम पे चलने के बाद हर आदमी थक के सो जाता है। वो मोटरसाइकिल पे जो बैठा है ना, वो करण है, उसका दोस्त हिटलर है। उसको जाके पूछो कि हिटलर किधर रहता है। काय 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 बोला तू? कौन लर कौन किधर रहता है? उसको जाके पूछो हिटलर किधर रहता है। हिटलर हम सब पीती है, हिटलर बोलना नहीं आता है। बोलो हिटलर। नहीं लिया। बोलो हिटलर। लर दोनों साथ बोलो हिटलर। हाँ हिटलर है ना, बराबर ना? हिटलर हिटलर जाओ जाओ हिटलर जाओ जाओ हिटलर जाओ हिटलर 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 हिटलर। आए गो देवा, ये कौन मेलिया सुबह सुबह बेवड़ा पी के सोला है? सारे लोग काम कर रहे हैं और ये मेलिया सुबह सुबह बेवड़ा पी के पड़ा है। ऐसे लोग को काम पे काहे को रखते हो? मेरे मर्द को देखो, ड्यूटी पे सड़ा, काम भी किया, थक के सो भी गया। ओ भाऊ, वो आदमी किधर रहता? कौन? भला माँ इतना है काहे नाम? हाँ जिसके पास पास भाई ने करण? नहीं नहीं करण फिर नहीं रे, कौन सा सांगला इंग्लिश नाम होता?
फिल्टर नहीं 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 पीटर नहीं नहीं खड़ूस नाम होता था मैं पूछती हे भाऊ कौन सा नाम होता रे अरे यार मैं आउट हो गया छोड़ दे रे अरे छोड़ दो मैं आउट हो गया रे अरे अरे मैं छोड़ो अरे मैं आउट हो गया रे आउट हो गया रे अरे आउट हो गया रे मैं लोगों को मारने का बहुत शौक है ना हैं ए खबरदार बीच में नहीं आने का आपन का मामला है ये कौन गधे की तरह चिल्ला रहा है अरे प्रेम ये तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है यार कबड्डी के मैच में कौन जीता और कौन जीतेगा करण जीता करण करण ये देख यार ये देख ऐसी ऐसी जगह मारा जहाँ मारना नहीं चाहिए था वहाँ भी मारा उसने ऐसे पेड़ तो तोड़ा ही तोड़ा साथ में घास फूस को भी नहीं छोड़ा उसने यार यार तू हमेशा मार खाने के बाद मेरे पास ही क्यों आता है हाँ तुझे शर्म दिलाने के लिए ना खुद कुछ किया ना मेरा चक्कर चलाया अरे करण की बहन के साथ मेरी शादी हो जाती तो क्या वो मुझे इस तरह मारता तेरी वजह से मैं कुंवारे सांड की तरह सूखे जंगलों में फिर रहा हूँ पहन लो ये चूड़ियाँ तुम लोग इतने सारे होकर एक अकेले करण का मुकाबला नहीं कर सकते उसके सामने जाकर कहो कि तुम उसकी बहनों से प्यार करते हो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहो डट कर खड़े हो जाओ उसके सामने जंग का ऐलान करो और बगावत करो देख बहन ये कहना जितना आसान है न करना उतना ही मुश्किल है ठीक है तुम लोगों के लिए मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा वैसे मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है अगर तुम दोनों तैयार हो तो देखो आइडिया ऐसा हो जिसमें मुझे मार खाने की जरूरत न पड़े क्योंकि कम से कम 2 महीने तक मैं मार खाने के पोजीशन में नहीं हूँ इसे कहते हैं घर इस घर के सामने ये घर इसे कहते हैं खुली आंख में मसाला डालना आतराज और मेरी सीमा भाभी यही रहेंगी ये मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई क्या बताऊं मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है अरे लेकिन हुआ क्या है अब क्या होने को बाकी है सिर्फ 7 महीने बाकी है क्या सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना हाँ मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है माँ बनने वाली है ये क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल डाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सुलूक किया अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे वो इंसान के नाम पे कलंक है इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं करण है करण उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है ऐसे बैठे रस्ते पर अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था
और ये जाती रही, इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है ये करण ने किया है? ये कौन है घनचक्कर यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं हूँ ना, मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए, मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहाँ जा रही हो है? अपने भाई को अस्पताल तक नहीं पहुंचाओगी? अस्पताल? मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया। अरे पूजा तुझे कैसा आइडिया सोचा एक शरीफ आदमी को बदला करने का? बेशरम। बेशरम मैं नहीं हूँ, बेशरम तुम हो। इसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसी लड़की हूँ। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं तो कल के ट्रेन की टिकट लेने जा रहा था। मैं आज ही कटवा देता हूँ ऊपर की। नहीं मैं दोस्त हूँ, खरगोश हूँ। खरगोश का शिकार मत करो, शेर मारो, शेर मारो, शेर मारो।